नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। सो दोस्तों, आज के वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं गुडरेज ईवन टॉप लोड 7 kg कैपेसिटी वाला वॉशिंग मशीन की। मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। अगर आप वॉशिंग मशीन लेने के लिए सोच रहे हो, स्पेशली जो मॉडल का रिव्यू कर रहा हूँ ये अगर लेना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, ये है हमारा पुराना वाला वॉशिंग मशीन और इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें जो है उस नया वाला मशीन के साथ हम कंपेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कोई सवाल सुझाव रहे तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग मोबाइल की अनबॉक्सिंग की तरह नहीं होती है। जब भी हम वॉशिंग मशीन कोई भी शोरूम पे परचेस करते हैं तो बहुत ही ऐसा कम लोग होंगे जो आप वॉशिंग मशीन उठा के खुद घर लेके आते हो, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में ही होता है कि वॉशिंग मशीन जो शोरूम वाले हैं या फिर ऑनलाइन आपके घर तक मशीन को, आपके पार्सल को डिलीवरी करते हैं। और डिलीवरी करने के बाद आपको नेक्स्ट काम करना है, जो भी ब्रांड के वॉशिंग मशीन लिया उसका हेल्पलाइन नंबर में कंप्लेंट रजिस्टर करना है प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन के लिए। और प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आपके घर तक एक इंजीनियर आएगा उस कंपनी की, उस ब्रांड की, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करके, को इंस्टॉलेशन करके, को डेमोंस्ट्रेशन करके देंगे, मतलब आपको दिखा के जाएंगे। और अगर आप खुद चाहते हो प्रोडक्ट्स को अनबॉक्सिंग करना तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, आप खुद मालिक है। बट हाँ, एक वीडियो जरूर बना लेना जब भी आप वॉशिंग मशीन को अनबॉक्स करोगे। मेरा सलाह ये रहेगा कि आप खुद मत करो, प्रोडक्ट्स को उनके इंजीनियर द्वारा अनबॉक्सिंग करवा के लो। क्योंकि जब इंजीनियर आपके घर तक आएगा, आपके प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करेगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा उनके वेबसाइट में ऑफिशियली। तो ये है प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग होता है। तो दोस्तों, हमने मशीन यहाँ पे बैठा लिया है और यहाँ पे वाटर कनेक्शन वगैरह भी दे दिया है। देखिए, ये है वाटर कनेक्शन। तो मशीन के साथ, जैसे कि आपने देखा कि मशीन के साथ ये वाला पाइप आएगा, पाइप के साथ यहाँ पे एक थ्रेड रहता है, एक सॉकेट रहता है, वो आता है और हमने यहाँ पे लगा ली। ये पाइप ज़्यादा लंबा नहीं है और यहाँ पे हमने लगवा लिया है अपना पावर केबल। तो दोस्तों, ये मशीन का कुछ फ्रंट साइड ऐसा है, यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पे 5-star का आप देख पा रहे हो स्टिकर लगा हुआ, 10 years मोटर वारंटी का स्टिकर लगा है। और इसका ये है मेन कंट्रोल पैनल या फिर मदरबोर्ड बोल सकते हो। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है इस वॉशिंग मशीन। और मशीन का इस साइड में देख पा रहे हो ये स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे ग्रिप के लिए, पकड़ने के लिए एक क्लैंप टाइप का भी लगा है, जो इस तरफ भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो इस तरफ भी एक लगा हुआ है। तो इससे मशीन को उठाया जा सकता है आसानी से। और पीछे की तरफ ये है इनलेट वाटर कनेक्शन और नीचे आप देख पा रहे हो ये आउटलेट, ठीक है। और ये मशीन मेरा क्रोम कलर की है और पास में जो दीवार है उसका भी सेम कलर है, तो थोड़ा सा उभर के नहीं आ रहा है, बाकी ऐसा ही है मशीन। और इस मशीन का कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मशीन को ऊपरी हिस्सा कुछ ऐसा देखता है। ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, टफ ग्लास है एक्चुअली, ये आसानी से ब्रेकेबल नहीं है। और ये ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा, ये प्लास्टिक की बनी होती है। और नीचे वाला जो ये है, आप देख रहे हो ये मेटल की है, टिन की होगा। और अंदर जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो इसका ड्रैम कुछ ऐसा है। और जैसे कि आपको मैंने बताया, शायद ये है 7
केजी वाला कैपेसिटी, हमारे जो पुराना मशीन था वर्लपूल वो है 7.2 केजी। हालांकि इसका ड्रैम है ना, पुराना वाला जो मशीन है उससे 2-3 इंची छोटा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो, जो नया वाला मशीन अभी आ रहा है ये टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे एक रोटर जैसे रहता है पुराना वाला मशीन में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को देखते रहिएगा। अभी रोटर नहीं आता, ये पूरा स्पेस जो है फ्री रहता है। और ये ड्रैम बना हुआ है स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक की कॉम्बिनेशन में, नीचे की तरफ ये जो है ये घूमता है जब मशीन चलते हैं। और यहाँ पे ये एक फिल्ट्रेशन के लिए एक फिल्टर रहता है, जिसको आप इस तरीके से ओपन करके यहाँ पे कचरा जमेगा तो इसको क्लीन करके फिर से लगा सकते हो। ये है डिटर्जेंट डालने वाली जगह। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को पहला दिन ही थोड़ा इरिटेशन हो रहा था, ये डिस्पेंसर के, डिटर्जेंट डिस्पेंसर बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये है मेरा सर्फ डालने वाला स्पून, पिछले 10 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें जब भी हम इसमें ऐसा डालने जाता है, ये इतना छोटा है कि ये एक छोटा सा स्पून भी इसका अंदर नहीं जाता है, जिसकी वजह से कई बार सर्फ ऊपर जाती है, कई बार अंदर यहाँ पे गिरते हैं, कई बार डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं, और ये कभी कभी थोड़ा सा स्टक भी हो जाता है। तो ये एक कमी मुझे लगता है, पक्का कमी है, ऐसा हर लोगों को होंगे, क्योंकि सर्फ डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में नहीं डालना चाहिए, स्पेशली अगर आपके ये मेरा जैसा फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो कई बार सर्फ अगर डायरेक्ट आप कपड़े में डालते हो तो कपड़े में कई बार एक अलग तरीके का स्टेन आ जाता है, जो कपड़े को डैमेज कर देते हैं। तो दोस्तों ये था ये ड्राम के बारे में। और यहाँ पे और एक चीज है, आपको आपको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि इसका डिजाइन में भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे ये जो दिख रहे हो ना, ये एक छोटा सा डिस्पेंसर है, ट्रे जैसा दिख रहा है। ये है एक्चुअली कंफर्ट डालने के लिए और एला ब्लीच डालने के लिए। व्हाइट कपड़ा में अगर आप ब्लीच डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, इसके जरिए ब्लीच चला जाता है अंदर से। और अगर कंफर्ट डालना चाहते हो आफ्टर वॉश, तो यहाँ पे भी आपको डालना है, जो कि इतना अंदर है कि आसानी से दिखाई भी नहीं देता है। चलिए हम इसको कर देते हैं क्लोज। और उसके बाद दोस्तों हम अभी आपको बताते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, कौन सा फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन को आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे पानी का लेवल, लेवल मीन्स आपके अगर बिल्डिंग में पानी का प्रेशर ज़्यादा है, अगर आपकी बिल्डिंग 10 फ्लोर 20 फ्लोर वाले हैं तो बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर रहेगा। अगर नीचे वाले फ्लोर में रहते हो तो यहाँ पे आप पानी का प्रेशर कम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके यहाँ पे एक इनलेट रहता है, एक सेंसर टाइप का रहता है, यहाँ पे ये खराब होने का पूरा चांस है। कि तो सबसे पहले हम इसको करते हैं ऑन, ये वो पावर बटन, और उसके बाद हम मशीन पे, तो इसे कहते हैं पावर बटन, और इससे स्टार्ट एंड पॉज कर सकते हैं, मतलब बीच में पॉज करके कोई भी वॉश फंक्शन को हम पॉज में रख सकते हैं, जैसे कि ये पॉज ऑप्शन आपके वीडियो में भी होता है। और उसके बाद हम करते हैं इसमें प्रेस, तो प्रेस करने के बाद एक रिंग ऐसा आवाज़ सुनाएगा आपको। आवाज़ सुनने के बाद आपको यहाँ पे मशीन में डिफॉल्ट टाइम 54 मिनट्स दिखाएगा, और ये मशीन फुली ऑटोमेटिक है। तो आप अपने कपड़े वन बाय वन यहाँ पे डालें, जो भी है डालने के बाद डिटर्जेंट यहाँ पे डालिए, डिटर्जेंट डालने के बाद इसको आप लॉक कर दीजिए, इस तरीके से इसको बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद पावर ऑन कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे दूसरा कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है तो सिंपली आप यहाँ पे स्टार्ट बटन में प्रेस कर सकते हो। जितना भी अपने कपड़े डाले हैं उसका वजन के हिसाब से मशीन के अंदर एक सेंसर है, वो डिसाइड कर लेगा यहाँ पे पानी का जो ऑप्शन है, हाई मीडियम लो मिनिमम, ये सिलेक्ट कर लेगा। तो ये है ऑटोमेटिक। तो अभी ये वाला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो चार ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, पानी का, वाटर लेवल, हाई मीडियम लो एंड मिनिमम, और इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है वो है रेगुलर, डेडिकेटेड, हैवी, क्विक वॉश। ये है रेगुलर, डेडिकेटेड, हैवी एंड क्विक वॉश। और नीचे आता है कि वाटर लेवल और प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है, ये वाटर लेवल है, और नीचे चाइल्ड लॉक का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, अगर इधर उधर घूमते रहता है, आप कुछ काम करते हो, मतलब मान लो आप वॉशिंग मशीन ऑन करके छोड़ दिया, आपके बच्चे इमीडिएट आके कोई भी एक बटन प्रेस के प्रेस करके चले जाता है, तो आपके वॉश जो है वही तो रुक के रहेगा, मतलब मशीन उसी फंक्शन में स्टक होकर रहेगा। तो इसके लिए ये चाइल्ड लॉक वाले फंक्शन दिया गया है, तो आप इस दोनों बटन को एक साथ प्रेस करोगे आप मशीन चलाने के बाद, तो जो फंक्शन है उसके बाद, मतलब उसके बाद जो भी बटन है काम नहीं करेंगे, आपका मशीन बराबर चलने के बाद, वॉश खत्म होने के बाद स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए चाइल्ड लॉक का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए वॉशिंग साइकिल जो है क्या क्या होता है एक कपड़ा वॉश के दौरान। सबसे पहले तो पानी जैसे चलाओगे तो पानी आ जाता है, फिर रिंस होता है, फिर स्पिन होता है, मतलब वॉश होने के बाद रिंस होता है, फिर स्पिन होता है। रिंस बेसिकली क्या होता है, जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो, पहला वाला जो पानी लोड होता है, जो सर्फ बर्फ सब गंदे रहता है, वो निकलने के बाद सेकेंड एक फ्रेश पानी ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो सब ऑटोमेटिक, वो फ्रेश पानी आएगा, साथ ही साथ कपड़े भी घूमेगा, वो एक प्रकार के फंक्शन है, वो रिंस बोलते हैं। और स्पिन क्या होता है दोस्तों, आपके कपड़े वॉश
पूरा खत्म होने का रिंस होने के बाद सारा पानी को निकालना होता है, मतलब निचोड़ना होता है, उसी को स्पिन कहते हैं। लगभग 60 से 70% कपड़े का पानी इससे निकल जाता है, बाकी उसके बाद आपको कपड़े जो है यहाँ से निकाल के ड्राई के लिए, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर डाला है देखो, इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो ये है साइकिल और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, आपको पानी कैसे सिलेक्ट करना है मैनुअली। अगर आप 4 जोड़ी कपड़े धो रहे हो, 4 जोड़ी का मतलब होता है 8 कपड़े, ठीक है, तो आप यहाँ पे मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो, पानी का लेवल मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो। रेगुलर सबसे अच्छे रहता है नॉर्मल पैंट शर्ट धोने के लिए, रेगुलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और वॉश ये जो है साइकिल है ये ऑटोमेटिक है, आपको यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना है, सिंपली स्टार्ट बटन प्रेस करना है, आपके सारे चीजें जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जैसे खत्म होता है आपको एक जो रिंग है वो सुनाई देगा और आपको समझ में आ जाएगा आपका कपड़ा धुलाई हो गया है। अगर आपके कपड़ा बहुत ही कम है तो आप लो सिलेक्ट कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा कपड़ा है, एक दो कपड़े कुछ ऐसा है तो आप मिनिमम भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर और अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे है, जीन्स वगैरह है, बहुत दिनों से धोया नहीं है, इस टाइप के कोई भी कपड़े होता है, तो आप यहाँ पे डेडिकेटेड या फिर हैवी सिलेक्ट कर सकते हो, बट पानी आपको उस हिसाब से मीडियम या फिर हाई सिलेक्ट करना होगा। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऐसा ही रहेगा। अगर मान लो कोई कपड़ा आपने हाथ से धुलाई कर लिया है बट उसमें से खाली पानी निकालना है, तो उस केसेस में क्या होता है, कपड़े को मशीन में डाल दो, डिटर्जेंट डालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके ये जो ऑप्शन है इस बटन को प्रेस करके सिंपली आप स्पिन में सिलेक्ट करके स्टार्ट करेंगे, ये 8 मिनट का एक टाइमर शुरू हो मतलब चालू हो जाएगा, 8 मिनट का अंदर का पूरा मशीन घूमते रहेगा और यहाँ पे जो है घूमने लगेगा, और घूम के आपके पानी पूरी तरह से यहाँ पे निकल दिया जाएगा। उसके बाद आपको कपड़े निकाल के सूखने के लिए डाल सकते हो। तो इस तरीके से इसी से काम करते हैं। फिर पावर बटन प्रेस कर देता हूं और एक बार स्टार्ट कर देता हूं, और आप देख पाओगे किस तरीके से यहां पे घूम रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मशीन की मोटर्स घूमते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताना था, मेरा पुराना मशीन यूज करने का जो भी तजुर्बा है उसके हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा, वो है ये डिटर्जेंट डिस्पेंसर सही नहीं है, मतलब इसका साइज बड़ा होना चाहिए था, या फिर ये थोड़ा सा डिजाइन और डिफरेंट बनाना चाहिए जिससे कि स्पून वगैरह आसानी से अंदर जाए। और दूसरी ये है कि ये जो डिस्पेंसर है एला या फिर कंफर्टर का, ये बहुत ही ज़्यादा अंदर है, समझ में नहीं आता है। तीसरी दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो मशीन है इसका, जब भी हम इस डोर को क्लोज करते हैं ऊपर वाले ढक्कन को, तो ये मशीन का यहाँ पे टच हो जाती है, बहुत ही कम गैप रखा है यहाँ पे और इस तरफ ज़्यादा है। हालांकि शायद ये जो फॉल्ट है शायद इसी मशीन में है, बाकी में नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे टच होता है फिर जाके बंद होता है। उसके अलावा और एक मुझे ये चीज़ लगा कि इस मशीन का ये जो ड्रैम है बहुत ही ज़्यादा लूज है, और लूज ड्रैम होने के वजह से थोड़ा सा भी अगर कपड़े ज़्यादा डालोगे मशीन ओवरलोड होता है, तो उसके लिए आपको एक दूसरे टाइप का साउंड सुनाई देगा जिससे आपके मशीन जो है डैमेज हो सकता है इंटरनली, मतलब इनसाइड ड्रम जो है कोई भी टास होएंगे और आपके मशीन डैमेज हो सकता है, वो मैं आपको वीडियो में अभी दिखाता हूँ कैसे। साउंड आ रहा है इसमें, मैंने क्या क्या डाला है आपको दिखाते हैं। एक बाथ टॉवल है, एक बाथ टॉवल है, ये एक बेडशीट है डबल बेडशीट, और 4 पिलो कवर है इसमें। नया वाला मशीन में आपको दिखाया था उसमें ये जो ढक्कन है जब भी हम इसको क्लोज करते हैं तो वहाँ पे टास होने का टास हो जाता है और एक अजीब सा नॉइस क्रिएट होता है, वहाँ पे साउंड क्रिएट होता है जो इस मशीन में नहीं होता। ये मशीन भी 10 साल पुराना है बट अभी भी यहाँ पर कोई भी इस तरीके का खराबी नहीं है। तो ये तो है एक पहला मुझे जो नया मशीन में ये लगा। उसके बाद दूसरे जो है ये देखिए वर्लपूल वाले कितना अच्छा से डिटर्जेंट डिस्पेंसर का डिज़ाइन और इसमें R&D किया है, और देखो इसको आसानी से इस तरीके से ओपन कर सकते हो, कोई स्टॉक भी नहीं होता है, और कितना बड़ा स्पेस है, आप कितना बड़ा स्पून इवन हाथ से भी इस तरीके से आप शार्प डाल सकते हो और इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हो। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ ये कंफर्टर या फिर ब्लिस डालने वाला जगह है, देखिए पुराने वाला मशीन पे, और इसका नीचे भी ट्रे है, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो बट यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। और पुराने वाला मशीन का जो ड्राम है ये काफ़ी बड़ा है, 7.2 kg है, जस्ट 2 kg का डिफरेंस होने का बावजूद इस मशीन का जो ड्राम है उससे 3 इंची 2.5 इंची 3 इंची बड़ा है और काफ़ी मजबूत है।
और नया वाला मशीन में जो ये मिडिल वाला चीज देख रहे हो आप, ये जो रोटर टाइप का ये नहीं आ रहा है, और पुराना मशीन में ये था, और इसका अंदर ये एक फिल्टर भी रहता है। और दूसरी यहाँ पे देखिए, ये जो मशीन का ड्राम है काफी स्ट्रांग है, मतलब इतना साल होने के बावजूद देखिए आप इस तरीके से हिल नहीं रहा है, काफी लूज नहीं लग रहा है, और नया वाला मशीन का काफी ज्यादा जो है वो चीज जो है लूज है। और उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत सारे कपड़े डाले हैं, कभी भी को हमें जो है ओवरलोड की शिकायत नहीं आई, बट नया वाला मशीन में मैंने जैसे कि आपको दिखाया थोड़ा सा मैंने इसमें डाला, उसमें वो ओवरलोड होने लग गया। और इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि दोस्तों ये 7 kg वाला है, 7 kg कैपेसिटी वाला है, तो ये मशीन कंपेयर अगर करेंगे पुराने वाले वर्लपूल के साथ तो इतना मुझे तगड़ा नहीं लगता है। अगर आपके बजट 16-17 हज़ार रुपये है, इसका प्राइस 16 हज़ार रुपये कुछ है, तो आप इस मॉडल को अवॉइड करके दूसरा कोई ब्रांड देख सकते हो, वर्लपूल का इसी बजट के अंदर आपको अच्छे मशीन मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट की, दोस्तों यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट उतना भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला। जब मेरा मशीन डिलीवरी हुआ, मैंने सेम डे कॉल किया और मैंने नेक्स्ट डे इंस्टॉलेशन पूछा, बट इंस्टॉल करने में मेरे को 2-3 दिन लग गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट सवाल सुझा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।